प्रेरणा कथा अवसर का चित्र। एक बार देश विदेश के कलाकारों के चित्रों की एक बहुत ही बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उस प्रदर्शनी में विश्व भर के महान चित्रकारों के चित्र थे और हजारों लोग प्रतिदिन उस प्रदर्शनी में आते थे। उस प्रदर्शनी में एक अनूठा चित्र था। उस चित्र में बनी आकृति का चेहरा घने बालों से ढका हुआ था और उस आकृति के पैरों में पंख लगे थे। सभी लोग उस चित्र को हैरान होकर देखते थे, परंतु कोई भी उस चित्र को समझ नहीं सका था। आखिरकार एक दिन दर्शकों ने चित्रकार से पूछ ही लिया, आपने यह किसका चित्र बनाया है? चेहरे को बालों से ढक दिया है, उसके पैरों में पंख क्यों लगाया है? उस कलाकार ने समझाया, इस चित्र के जरिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। यह चित्र अवसर का है। लोगों ने पूछा, हम कैसे मान लें कि यह तस्वीर अवसर की है? कलाकार ने कहा, मैं बताता हूं, इसका चेहरा इसलिए ढक रखा है कि जब कभी अवसर हम लोगों के पास आता है तो हम अक्सर इसे पहचान नहीं पाते। इसके पैरों में पंख इसलिए लगा दिए हैं कि अवसर अधिक देर तक रुकता भी नहीं है, बड़ी तेजी से आता है और चला जाता है। एक बार उड़कर गया तो फिर कोई उसे पकड़ नहीं पाता। यो तो हमें यह अवसर हर जगह उपलब्ध होता है, फिर भी अक्सर हम यह रोना रोते हैं कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो समझ में आ जाएगा कि रोज हमारे सामने एक से एक अच्छा अवसर आया और हम उसको पहचान नहीं पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए। अवसर का सदुपयोग करने के लिए दिमाग और आंखें खुली रखने की आवश्यकता है। अवसर की तलाश में सिर्फ लोगों को सुनना देखना ही नहीं, बल्कि यह भी देखना है कि वह क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। असफल आदमी को हर अवसर में बाधा ही दिखाई देती है, जबकि सफल व्यक्ति हर बाधा में भी अपने लिए अवसर देखता है। जरूरत है सजग रहकर अवसर को पहचानने और उसका फायदा उठाने के लिए। ऐसा करके ही हम अपना कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।